kids, welcome back to our new video with chapter number 6 that is related to time. Now, what is time? Time kya hota hai? Samay. Time ko Hindi mein bolte hai, samay. And time is the most valuable thing in our life, right? Kaise valuable kyun hota hai? Because agar hum timely koi kaam karte hain, organized way mein hoke koi kaam karte hain, tabhi wo kaam successful hota hai. Like, aapko is first page pe kuch activities given hai. Sampada's day. So, Sampada is a girl, है ना, उसका दिन कैसा गुजरता है, वो मॉर्निंग में उठती है, she get up for the school and उसके बाद रात होने तक वो क्या क्या करती है, वो सारी activities यहाँ पे given है, right? So, similarly, आपकी भी कुछ activities होंगी, तो आप match करिए क्या आपकी activities इन activities से कुछ match करती हैं या फिर कहीं आप उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, right? So, अगर आपकी activities organized होंगी और time पे सारा काम होगा तो सभी चीज़ें complete रहेंगी और एक organized और बहुत अच्छी life होगी, right? ठीक है बच्चों, तो मैं start करता हूँ इस chapter से. Sampada's day. So, first number पे क्या एक picture क्या show कर रही है, यहाँ पे बहुत सारी multiple pictures दी हुई हैं, right? So, आप इस picture से क्या denote कर पा रहे हो कि ये क्या कर रही है, she is getting up, right? है ना, morning में सुबह उठ रही है, right? Get up for school. तो मॉर्निंग में आप भी ऑब्वियसली उठते होगे, है ना, कोई मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठता होगा 5 बजे, कोई 6 o'clock, राइट, या आप कितने बजे उठते हैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, स्कूल से 1-1.5 घंटा पहले आपको जगना चाहिए, राइट, स्कूल जाने से, जिससे कि आप सुबह मॉर्निंग की एक्टिविटीज प्रॉपर कर पाएं. ठीक है बच्चों, सो शी गेट अप फॉर स्कूल, माइंड में आता है ना सुबह उठ के, तो क्या आपके स्कूल में माइंड क्या आता है माइंड में सुबह उठ के, खेलने जाना है या फिर स्कूल के लिए प्रिपेयर होना है और पढ़ाई करनी है जाके, स्कूल जाना है ना, तो क्या आता है आपके माइंड में वो आप पे डिपेंड करता है. सो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें स्कूल जाना है, बहुत कुछ सीखना है और वहाँ खेलने को भी मिलेगा ऑब्वियसली, तो खेलने का टाइम अलग होता है. सो सेकेंड क्या है, ईट ब्रेकफास्ट. तो आप उठते हो, फिर आप ब्रेकफास्ट करने से पहले भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, नहाना होता है, ब्रश करना होता है, राइट. सो ये सारी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ को फिनिश करके आप ब्रेकफास्ट करते हो. देन संपदास डे है तो संपदा की स्टोरी है. देन रीड अ स्टोरी इन द स्कूल. आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे आप स्टोरी पढ़ते हो, आप मैथ्स पढ़ते हो, आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, राइट. देन ईट लंच. फिर लंच टाइम हो जाता है दोपहर में, है ना, इसे क्या बोलते हैं, नून टाइम, राइट. और आफ्टरनून में आपका लंच होता है, तो आप लंच करते हो जो मम्मी आपकी टिफिन में पैक करके देती हैं, है ना बच्चों, तो लंच होता है. देन आफ्टर दैट आप वापस आ जाते हो जब स्कूल से, तो यू गो टू प्ले, है ना, या फिर कभी कभी आपका गेम्स पीरियड भी होता है स्कूल्स में, राइट. तो वहाँ पे यू यूजुअली प्ले, वहाँ पे आप गेम्स खेलते हो डिफरेंट. देन आफ्टर दैट 6th यू स्टडी एट योर होम. तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, है ना बच्चों, तब तक आपको नहीं सीखने को मिलेगा, आप भूल जाओगे, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ याद नहीं रहती है. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप क्या दोबारा कुछ आवर्स के बाद इसको रिवाइज करते हो जब भी आपको टाइम मिलता है, राइट. सो पढ़ने के लिए टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना होता है ना. देन आफ्टर दैट स्टडी, शाम को आप पढ़ रहे हो, देन फाइनली गो टू बेड. तो आप फाइनली रात में सोने चले जाते हो, है ना. तो व्हाट इज़ योर टाइम टू स्लीप, आप किस टाइम सोते हो. सो ये कमेंट बॉक्स में आप डालो कि किस टाइम आप सोते हो, व्हाट इज़ योर टाइम फॉर स्लीपिंग, है ना. सो दिस वॉज आर फर्स्ट पेज, इसमें डेली एक्टिविटीज़ हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड कुछ एक्टिविटीज गिवन है एंड वी हैव टू टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग टाइम में आप क्या एक्टिविटीज करते हो, मॉर्निंग में आप नहाते हो ऑब्वियसली, यस, सो वी हैव टू टिक दिस वन. मॉर्निंग में आप नहाते हो, देन क्या मॉर्निंग में आप स्कूल पहुंच जाते हो, हाँ मतलब मॉर्निंग के बाद आप स्कूल जाते हो, राइट. इन सारी एक्टिविटी, तो ये अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठते हो उसके बाद की एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहा है. ये तो लंच टाइम दिख रहा है, राइट, ये भी नहीं होगा. यस, ब्रश करते हो और नहाते हो, ये दो काम होते हैं अर्ली मॉर्निंग, राइट. देन यू हैव टू टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग, है ना. ये मॉर्निंग का था, अब ये इवनिंग का है. कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप इवनिंग में करते हो, शाम को तो खेलने का टाइम होता है ना, एंड इवनिंग इज द बेस्ट टाइम फॉर प्ले, फॉर गेम्स, राइट. सो शाम को खेलने का टाइम होता है, तो इवनिंग के टाइम आपकी ये एक्टिविटीज हैं. शाम को नहाते तो नहीं हो आप, है ना, मॉर्निंग में नहाया जाता है, राइट बच्चों. एंड शाम को तो नहीं सो जाते हो कहीं, ऑब्वियसली नो, है ना, शाम को तो खेलना होता है, उसके बाद रिवाइज रिवीजन करना होता है जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया. सो शाम के टाइम में, इवनिंग जो होती है उस टाइम में
ये एक्टिविटी होती है खेलना, राइट। नेक्स्ट इज टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द डे। सो दिन में आपकी क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, इनमें से पॉसिबल कोई ऐसा तो नहीं है जो दिन में ब्रश करता हो, लंच के टाइम पे ब्रश कर रहा हो है ना, ऑब्वियसली नो। सो दिन के टाइम में एक ये हो सकता है, ये अपने घर से शायद कहीं जा रहा है मार्केट या फिर खेलने जा रहा है, तो डे एक्टिविटीज में ये काउंट हो सकता है, राइट। एंड ऑब्वियसली लंच टाइम, सो लंच तो दिन में ही होता है, राइट है ना। जो आप दिन में लंच, जिस दिन में आप खाना खाते हो उसे लंच टाइम बोलते हैं, एंड रात को जो खाना खाते हो उसे आप डिनर बोलते हो, राइट है ना। सो नहाना, कोई दोपहर में तो नहीं नहाता है ना, सुबह सुबह उठ के नहाना चाहिए है ना, उसके बाद आप फ्रेश फील करोगे, ओके। सो नेक्स्ट, टेक द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट। तो रात में मूवीज तो नहीं देखते हो आप या कार्टून्स तो नहीं देखते हो, सो रात में क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली इंसान सोता है, एवरीवन गो टू स्लीप। तो एक ये हो गया, और सोने के बाद आप सपने देखते हो क्या, तो सपने में चैंपियन बनने का सोचते हो कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ गेम्स हैं, आपका फेवरेट गेम होगा कोई, तो उसमें आप ये ट्रॉफी दिख रही है आप, है ना, तो सपने में आपके आनी चाहिए ऐसी ट्रॉफीज, कि बहुत सारी ऐसे मेडल्स और ट्रॉफीज आप जीतेंगे, है ना। सो दीज वर सम एक्टिविटीज और हमने यहाँ पे टिक कर लिए, राइट। लेट्स गो टू आर नेक्स्ट पेज। इस पेज पे अगेन कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, और हमें क्या करना है, नंबर द एक्टिविटीज इन सीक्वेंस। सो सीक्वेंस का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसा मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, सीरीज है ना, तो सीक्वेंस एंड सीरीज आर द सिमिलर थिंग, मतलब लाइन से आपको नंबर बाय नंबर कि फर्स्ट पे क्या होगा, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, राइट। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्टिविटी दिख रही है, कुछ ऐसा लग रहा है रोटी बना रहा है ना, दिस पर्सन इज मेकिंग चपातीज, राइट। सो चपाती जब रोटी बनती है तो सबसे पहले क्या एक्टिविटी होती है, यहां से मुझे लग रहा है ये आटा निकाल रहा है ना, फ्लोर को निकाल रहा है यहाँ पे, सो दिस कुड बी द फर्स्ट। सो सेकंड पे ये एक्टिविटी होगी है ना, आटा लगाना या आटा गूंदना बोलते हैं, डॉइंग है ना, ये वर्ड होता है आटा गूंदना, इट इज कॉल्ड डॉग, राइट। सो फर्स्ट पे ये एक्टिविटी हुई, सेकंड पे पानी डाल रहा है और यहां पे आटा लगा रहा है, राइट, आटा गूंद रहा है थर्ड एक्टिविटी में, पानी डालने के बाद थर्ड एक्टिविटी में आटा गूंदना। देन उसके बाद क्या होगा, फोर्थ, ये रोटी बेल रहा है, रोटी बना रहा है, राइट, बेलना, मम्मी को देखा होगा आपने है ना, ऐसे यही प्रोसेस तो होता है फॉलो हर एक घर में। देन नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे आग जला रहा है, देन फाइनली आप बैठ के खाते हो है ना, तो इनको आप मम्मी मान सकते हो राइट। सो सिक्स फाइनल ये एक्टिविटी होगी, सो आप फाइनली खाना खाते हो। तो एक्टिविटीज सीक्वेंस का मतलब यही हुआ कि आपको नंबर वाई नंबर, फर्स्ट पे कौन सा काम होना चाहिए, देन सेकंड पे जैसा मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4 आपने नंबर सीख लिए हैं है ना, तो उनमें 1 to 10 वो एक सीक्वेंस होता है, उसे सीरीज बोल सकते हो या सीक्वेंस बोल सकते हो, राइट, नंबर वाई नंबर। तो फर्स्ट पे ये एक्टिविटी हो रही है, देन सेकंड पे ये एक्टिविटी हो रही है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फाइनली यू आर ईटिंग फूड, राइट। सो ऐसी कुछ एक्टिविटीज और भी आप सोचो माइंड में कि क्या पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, आप खुद से भी बना सकते हो, राइट। जब आप स्कूल जाते हो तो क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, लाइक जब आप स्कूल पहुंचते हो तो पहले अपने बैग्स को क्लास में रखते हो, देन यू गो टू असेंबली, राइट, असेंबली में आप इकट्ठे होते हो, वहाँ पे प्रे करते हो, प्रेयर करते हो, उसके बाद वापस आप क्लास में जाते हो, फिर कुछ क्लासेस लगती हैं, आप पढ़ाई करते हो, देन लंच टाइम होता है, तो ये सीक्वेंस हुई है ना, वन बाई वन, राइट। सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर बहुत छोटा है, 4 pages का ओनली है ना, तो मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, और कुछ खास नहीं है, टाइम के बारे में बताया कि किस टाइम पे क्या होना चाहिए वही हमें करना चाहिए, राइट, ठीक है बच्चों। सो टिक द एक्टिविटीज दैट विल टेक लॉन्गर, सो लॉन्गर मीन्स जो ज़्यादा टाइम लेगा है ना, ज़्यादा टाइम, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो ज़्यादा टाइम लेगी, ये टैप से एक बकेट भर रही है जो छोटी है, राइट, और ये एक ड्रम है ना, तो ड्रम ज्यादा टाइम लेगा भरने में या फिर बकेट, ऑब्वियसली ड्रम, बिकॉज इट इज लार्जर इन साइज, ये ज्यादा बड़ा है तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा पानी आएगा बच्चों, है ना, सो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, टाइम भी इसमें ज्यादा लगेगा। आप एक ग्लास पानी लेते हो और एक बकेट में पानी भरते हो, तो कौन सा जल्दी भर जाता है, ग्लास वाला, एंड बकेट टेक्स लॉन्गर टाइम, सिमिलरली यहाँ पे बकेट, तो जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम लेगा, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, आप घर से निकलते हो कहीं के लिए, मार्केट जाना है या
ग्राउंड में जाते हो आप खेलने, सो और आप अगर साइकिल से जाते हो तो बाइसिकल विल टेक लेस टाइम, राइट? और अगर आप पैदल वॉक करते हुए जाते हो तो इट विल टेक मोर टाइम. सो लॉन्गर एक्टिविटी कौन सी हुई? दिस, है ना, इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है. पैदल आप चल के जाओगे, राइट? सो आप लोग कैसे जाते हो? पैदल जाते हो खेलने ग्राउंड में या फिर बाइसिकल से जाते हो, है ना? तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में. जो वॉक करके जाता है वो वॉक लिख सकता है, जो बाइसिकल से जाता है वो बाइसिकल लिख सकता है. ठीक है बच्चों, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. और इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है? टाइम के बारे में बताया हुआ है, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए. ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियोज में और भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.